वो मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटी पोस्ट के लिए आपको साक्षर होना चाहिए, साचरित होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाए चपरासी के पद पे, और पुलिस यदि नेगेटिव रिपोर्ट दे देगी तो समझ लीजिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं मिलेगा। ये स्थिति का नहीं है, आपका आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए और आपस में आप समझौता कर लें, आपको मालूम है ये जो समझौता है इट इज ट्रीटेड एज ए कन्विक्शन, तो आप समझौता कर लेंगे तो वो कहते हैं कि इट इज नॉट एक्विटल इट इज कन्विक्शन, तो भी आपको जो ना जान वो नहीं मिलेगा। फिर जो है कानून बनाने वाले और अब हमारे भाग निर्माता बन बैठे इन अपराधियों को अलग से सिस्टम क्यों है, तो हमारे कुछ विद्वान लोग कहते हैं अच्छा इस पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो मैं बड़ी अच्छी बात है कि तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे ग्राह्य किया, तीनों केस में जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट दिया तीनों केस में, मतलब उन्होंने कहा कि हम सहमत करते हैं पीआईएल कर्ता से कि ये गलत है, इसको जो है केवल एक लाइन के अमेंडमेंट से ठीक किया जा सकता है कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी, एक छोटा सा एक लाइन लिख दिया जाए सब समस्या की बात खत्म, सब भाषण की बात खत्म। ये तीन बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इन नेताओं का दिल नहीं पसीजा, इन्होंने जो है उसका अमेंडमेंट तो नहीं किया, ग्राउंड पे क्या किया वो मैं एक मिनट में आपको समझाता हूं। आज जो हमारा पार्लियामेंट जो अभी चल रहा है जो कि 2019 में गठित हुआ है और 2024 तक चलेगा, अगले साल तक चलेगा, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें कुछ एफिडेविट देना होते हैं, उसमें एक एफिडेविट आपराधिक रिकॉर्ड का होता है, तो जो आपराधिक रिकॉर्ड का एफिडेविट है हालांकि उसके बारे में भी एक पीआईएल लगी है कि ये एफिडेविट गलत है, राइट, मतलब लोगों ने अपने अपराध छिपाए हैं, लेकिन अभी उस डायमेंशन में नहीं जाते, जो उन्होंने एफिडेविट दिया उसको अपन सही मानते हैं, ठीक है ना। उस एफिडेविट के हिसाब से 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% मतलब ऑलमोस्ट 30% उनके विरुद्ध जघन्य अपराध है, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप, ब्रिजभूषण जैसे घटिया लोग। पिछले बार उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीट्स हैं, उनमें से 205 लोग आपराधिक रिकॉर्ड के, विच मेक्स इट 51%, मतलब 44 से आपने 51% पे यात्रा कर दी, राइट। इस वर्ष चुनाव हुए हैं कर्नाटका के, अभी बाकी चुनाव तो हो रहे हैं, कर्नाटका के चुनाव हुए हैं 10 मार्च को 10 मई को सॉरी 10 मई को तो 10 मई को जो चुनाव हुए हैं उसमें 55% मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, तो 44 51 55, मेरे ख्याल से अब शायद हम 60-80 तक तो पहुंच ही जाएंगे। क्या ये आपके प्रति दुष्टता नहीं है? पहले तो कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए था, यदि आपने नहीं किया तो भैया पार्टी लेवल पर डिसीजन ले लेते कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सही व्यक्ति को नहीं चुन रहे हो, राइट, नंबर वन। अब हम मान लें कि स्थिति क्या है चुनाव की, तो प्रिंट मीडिया पे कब्जा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कब्जा, सोशल मीडिया भी नहीं बचा है। बोले क्यों नहीं बचा है, क्योंकि इन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी आईटी सेल खोल के रखी है, जो अच्छा थोड़ा सा करता है उसको जो है ना वो हंट करके अपने पेरोल पे ले आते हैं। और आप ये देखिए कि कुछ समय तक इंडिपेंडेंट दिखने वाला एकाएक किसी लाइन को टो करने लग जाता है क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टी के पेरोल पे आ गया, यही है कि नहीं है, डू एग्री विथ मी। आज जो आजकल सर्वे का बड़ा रवाल है, तो हम लोग जो है ना विद्वान लोग हैं तो पाई चार्ट, ए डायग्राम, वो डायग्राम बना के हम लोग ऐसा शो करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सर्वे किया, इतने लोगों का सर्वे किया, ये सैंपल डाटा लिया, वो सैंपल डाटा लिया, हम कुछ नहीं करते हैं, पैसे लेके वही रोड रिपोर्ट क्रिएट करते हैं जो ये नेता चाहते हैं। आपको बार बार परोस के और चारों तरफ से जो है ना उसको वो करके ये उस फर्जी और झूठी रिपोर्ट को सही साबित कर देते हैं।
और फिर कह देते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है, देखो उसने कितना अच्छा सर्वे करके दिया था, वाह टू द पॉइंट, जबकि सही बात यह है कि फर्जी सर्वे होता है। अब अपन आगे आते हैं, ये जो आम सभाएं करते हैं इसमें सब जो है किराए के लोग आते हैं, 500-500 रुपए दिया जाता है, हम आप सब जानते हैं राइट। उनके लिए जो है ना गाड़ियों की व्यवस्था होती है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो आम सभाएं भी पेड हो गई, न्यूज भी पेड हो गई, और ऊपर से दारू फ्री भी बांट रहे हैं। आपको मालूम है इस देश में दारू का निर्माण असंवैधानिक है, संविधान के आर्टिकल 47 में ये बात कही गई है कि इस देश में ना तो दारू बन सकती है ना बिक सकती है, क्यों, क्योंकि वो जो है गरीब तबके के हितों के विरुद्ध जाती है। ये संविधान के निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 47 में लिखा है। बताइए इस देश के साथ कितनी दुष्टता हो रही है कि महिलाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है कि भैया यहाँ कलारी से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, और उनकी बात नहीं सुनी जाती, उन पर भी डंडे चला दिए जाते हैं। ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये बताइए, इस तरीके से लोग चुन गए, अब सवाल मान लेंगे कैसे भी गए, हमारे वोट से चुने, हमारे प्रतिनिधि हैं, क्या वो आपकी बात कहने की औकात रखते हैं? वो पार्टी भिप से बंधे हुए पार्टी हाई कमांड के बंधुआ मजदूर हैं, उनकी औकात नहीं है कि वो सही बात कह दें आपकी बात कह दें। तो डेमोक्रेसी हुई क्या? अब सवाल उठता है व्हाट इज द वे आउट, एग्जैक्टली सुनना चाहते हैं व्हाट इज द वे आउट। तो क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट में जो है जो सिटिंग डीजी, इट वाज पहले बिल्कुल अपराध मुक्त के लिए ही था, इट वॉज नॉट एक्सटेंडेड। आज जो हम बात कर रहे हैं हमने उसको खींच दिया है राइट। उस समय जो है जो सिटिंग डीजी, मैंने एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बना के दिया कि दिस इज द टेक्नोलॉजी विच वी हैव डेवलप्ड, हम जो है अपने देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं, और उसके 5 जो है ना हमने यार्डस्टिक दी। पहली थी सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, और उसके 5-6 तरीके जो है ना ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप करके बताए कि साहब ये ऐसा हो जाएगा, और साथ में धीमे से कहा कि जो कोई झूठी FIR करेगा तो जेल में सड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी बीमारी भी बहुत है, हमने कुछ किया नहीं, सामने वाले ने साला जबरदस्ती फंसा दिया, तो वो भी दिक्कत है, वो बड़ी दिक्कत है, छोटी दिक्कत नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग झेल रहे होंगे राइट। हाँ मुझे मालूम है बात कैसा है। फिर जो है ना उसमें सेकंड सर्टेनिटी थी कि वी हैव क्रिएटेड ए सच ए पावरफुल टेक्नो इंजन, जो कह रहा है कि वो ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो किसी ने सोचे नहीं है राइट, और उनको हैस वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा, एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट लग जाएंगे, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट लग जाएगा, तो आज जो कोर्ट में जो ना ड्रामा होता है वो ड्रामा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट विल बी इनफेलिबल, और उन इनफेलिबल एविडेंसेस के साथ 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। तो पहले आपको थाना नहीं जाना पड़ रहा है, फिर आपका टाइम लाइन के अंदर चालान पेश हो रहा है, और फाइनली बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट होगा। उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया गया, जो आज के ट्रायल सिस्टम से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, 1000 गुना, मतलब 1000 गुना भी कम है, मैं तो 10,000 गुना भी कहने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। और आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा, जबकि आपको अभी 30 साल में भी न्याय नहीं मिलता, यही स्थिति है कि नहीं है। फिर एक टेक्नो इंजन बनाया गया जिसको हमने पॉपुलर नाम दिया डिजिटल चित्रगुप्त। वो डिजिटल चित्रगुप्त को इतनी ताकत दे दी गई कि वो अपराधी की हर सूक्ष्म जानकारी उसके पास होगी, तो इसलिए हमने एक जो है फंडामेंटल राइट का भी उसमें प्रपोजल दे दिया, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। बट ये फंडामेंटल राइट जैसे बाकी फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है, द मोमेंट यू विल कमिट क्राइम योर राइट टू जो है प्राइवेसी विल सीज टू हैपन। वो सिस्टम ही रिपोर्ट कर देगा कि साहब इसने ये अपराध किया है, ये एविडेंस है, वो जो है ना पुलिस की जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको अरेस्ट करके जेल भेज देगा। इस तरीके का पावरफुल सिस्टम। ये 2017 से 2019 तक 2 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट को भेजा, इसका परीक्षण हुआ, पीयर ग्रुप रिव्यू हुआ, 2019 में इसे मान्यता प्रदान की गई।
और 2019 से ही मैं ही उसका प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर हूं, बट और हमने एक कानून का ड्राफ्ट भी उनको बना के भेजा कि व्हाट शुड बी द लीगल फ्रेमवर्क। तो 30 सितंबर 2020 को वो कानून का ड्राफ्ट भारत सरकार को भेजा है, जो उनको विचाराधीन है अभी, क्योंकि सब चीज विचाराधीन चल रही है, खत्म कोई चीज नहीं हुई है। बट आई रियलाइज इन 2021 कि जिस देश में राजनेता अपराधियों को ही प्रेफर करते हैं, वो इस देश में कभी भी अपराध मुक्त भारत नहीं आने देंगे। तब हमने एक एनजीओ भी बनाया, क्योंकि ये नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत है, वो क्राइम फ्री भारत मिशन है एनजीओ। तो अब दो क्राइम फ्री भारत की दो एंटिटी हो गई है, एक हो गया है नेशनल पुलिस मिशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसका प्रोजेक्ट हेड मैं हूं, और दूसरा हो गया क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि एनजीओ है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। राइट, तो दो दो एंटिटी हो गई, दो कैपेसिटी हो गई। इसमें अब इसको विस्तारित करके 21 लक्ष्यों में बांट दिया गया, जिसमें आपको गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, आपकी प्रशासकीय व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल और संवेदनशील होगी, हम जैसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो लाखों का जो है विधिक कंपनसेशन देने का प्रावधान होगा, संभवतः हम में से अधिकांश लोगों की वो औकात ही नहीं रहेगी तो वो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। अभी तो वो अपने आप को लाट साहब कहते हैं, वो कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो जिस व्यवस्था को और जिस संस्था को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ज्यादा बड़े लाट साहब हो गए हैं और आप लोग ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं। इस भाषा में